गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, मैं माला सिन्हा रेसिडेंशियल परामानिसन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज मैं आपको कक्षा वन का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें विद्यालय के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ कि आपके विद्यालय में क्या क्या होते हैं। जब आप विद्यालय आते हैं तो इसमें देखते हैं, जैसे इसमें पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर यानी तस्वीर दिया हुआ है, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं मैदान में, शिक्षिका पढ़ा रही हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। इसमें एक बच्ची रस्सी कूद रही हैं, है ना। इस तरह से हमारे विद्यालय में देखा जाता है, जब स्कूल में आते हैं तो क्या क्या होते रहता है। इसमें प्रश्न है, विद्यालय में क्या हो रहा है, जैसे कि विद्यालय में बताया गया है। कुछ प्रश्न है, विद्यालय में बच्चे क्या कर रहे हैं, विद्यालय में बच्चे खेल रहे हैं। इस चित्र के अनुसार देखेंगे विद्यालय में बच्चे क्या कर रहे हैं, विद्यालय में बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विद्यालय में बच्चे प्रार्थना कहाँ करते हैं, विद्यालय में बच्चे कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, देखेंगे इस पिक्चर में। तो विद्यालय में बच्चे प्रार्थना मैदान में करते हैं, इस तरह से उत्तर लिखेंगे, विद्यालय में बच्चे प्रार्थना मैदान में करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में है, विद्यालय में कितने कमरे हैं, विद्यालय में कितने कमरे होते हैं। आपके विद्यालय में लगभग, विद्यालय में कितने, विद्यालय में 20 कमरे हैं। ठीक है, विद्यालय में 20 कमरे होते हैं। विद्यालय में कितने शिक्षक और शिक्षिका हैं, तो आपके विद्यालय में कितने शिक्षक होते हैं, 8 शिक्षक और 10 शिक्षिका होती हैं। प्रश्न 5, विद्यालय में कितने माली हैं, हो विद्यालय में 2 माली हैं। आपके विद्यालय में कितने माली होते हैं, लगभग 2 होते हैं, तो 2 लिखेंगे। प्रश्न 6 में है, विद्यालय के प्रधानाध्यापिका का क्या नाम है, उत्तर में लिखेंगे, विद्यालय के प्रधानाध्यापिका का नाम श्रीमती अमृता सिंह है। इसे कुछ पिक्चर को देखते हुए इसे कुछ क्वेश्चन बनाया गया है, पेज नंबर 10 है, आप पेज नंबर 10 का ये प्रश्न उत्तर कर लेंगे, फेयर कॉपी में इसको बनाएंगे। ठीक है, अब आगे है पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में मेरा घर, ये घर के बारे में आपको दिखाया जा रहा है। ये घर देखेंगे, जिस घर के अंदर में कौन कौन है, एक कुत्ते हैं, लड़के हैं, माँ खाना बना रही है, और यहाँ पे कुछ पलंग है और सोफा है, ये सब है। ठीक है, तो इस चित्र को देखेंगे घर के अंदर क्या क्या होते हैं। तो इससे कुछ क्वेश्चन बना हुआ है, पेज नंबर 11 से पिक्चर को देखते हुए कुछ क्वेश्चन बनाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है, पहला प्रश्न, घर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इस घर को देखेंगे पिक्चर के अनुसार, घर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुत्ता, किताब, पलंग, सोफा,
तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुत्ता, किताब, पलंग और सोफ़ा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रसोई में क्या काम हो रहा है। रसोई घर में देखेंगे क्या काम हो रहा है। इस पिक्चर में रसोई में माँ खाना बना रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे रसोई में माँ खाना बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता कहाँ बैठा है। तो इस पिक्चर में देखेंगे कुत्ता कहाँ बैठा हुआ है, दरवाज़ा के पीछे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुत्ता दरवाज़ा के पीछे बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, कुत्ता का क्या नाम है। तो कुत्ता का क्या नाम है, तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं, अपने मन से लिखना है इसमें कुत्ते का नाम। जैसे कुत्ता का नाम टॉमी भी होता है, नैन्सी भी होता है, शेरू भी होता है, तो यहाँ पे हमने टॉमी रखा है, ठीक है। कुत्ता का नाम इसमें टॉमी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, घर के बाहर कितने पेड़ हैं। घर के बाहर कितने हैं, इस पिक्चर को देखेंगे, एक पेड़ है ना, दिख रहा है ना आपको, एक पेड़ है। तो आप इसमें उत्तर में लिखेंगे घर के बाहर एक पेड़ है, ठीक है। इस तरह से आपका ये पेज नंबर 11 समाप्त हुआ। और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने दिया है वो अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।